हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर स्मार्टफोन लिए IQ 12, जो कि न्यू स्मार्टफोन निकला है, उसमें आपको नेटवर्क स्पीड इनेबल करने नहीं आ रहा है, यानी कि जो आपका फोन का नेटवर्क स्पीड है, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, वो आपको इनेबल करने नहीं आ रहा। तो कैसे इनेबल करना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जरिए ले जाता हूँ फोन डिस्प्ले पे। तो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन कॉल पे कर लीजिएगा। चलिए ले जाता हूँ फोन डिस्प्ले पे जाकर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पे नेटवर्क स्पीड को इनेबल करना है। तो सबसे पहले सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन करनी होगी। सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस करके देख पा रहे हो। तो यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे आपको क्लिक कर देनी होगी। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन शो होने लगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल के आनी होगी। नीचे स्क्रॉल के आने के बाद यहाँ पे स्टेटस बार आपको दिख रहा हो, तो स्टेटस बार पे आपको क्लिक कर देनी होगी। स्टेटस बार पे क्लिक कीजिएगा। स्टेटस बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तीन ऑप्शन जो कि देख पा रहे हो, तो सो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड और एक बैटरी परसेंटेज। तो क्या करना, आपको बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा हुआ देख पा रहा हूँ तो ऊपर में, और यहाँ पे नेटवर्क स्पीड भी आपको शो नहीं हो रहा हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है, सबको दोनों को आपको इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों को इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखिए बैटरी परसेंटेज भी शो होने लगा और यहाँ पे आपको नेटवर्क स्पीड भी शो होने लगा। तो इस तरह करके आप नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर सकते हैं और साथ में बैटरी परसेंटेज को भी आप इनेबल कर सकते हैं। तो वीडियोज अच्छी लगी तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग इतना वीडियोज़ बनाता हूँ तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा।